नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। इलेक्शन कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के इलेक्शन की घोषणा कर दी गई। इसी को देखते हुए 5 राज्यों में इलेक्शन की गहमागहमी शुरू हो गई है। आइए जानते हैं लोगों का क्या मिजाज है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं और इनके दिल में क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी बने, जो हमारे मुख्य मुद्दे हैं उसको कहीं दरकिनार ना करा जाए। कोई भी सरकार आती है वो सबसे पहले कहती है हर चीज़ का वादा। आप देखिए कि सबके अपने अपने वो बनते चले जा रहे हैं, मैं ये करूँगा, मैंने जैसे अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और इस टाइप के रोड सड़कें, आप देख लीजिए कि सड़क जितनी भी सरकारें, नौजवानों को रोज़गार देने की बात हो या ज़मीन अच्छी करने की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो, हर चीज़ को अभी आप देखिए एक नया मुद्दा मिल गया। जो भी आती है सरकार वो लोक लुभाने वादे दे देती है। अभी आई है, अब ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार बनने से पहले ये बता दे रही कि मैं बिजली का बिल माफ़ कर दूंगी, आधा कर दूंगी, मैं नौकरी दे दूंगी। तो मुझे लोक लुभाने वादे जो दे रही ये ना दे। जो हकीकत है, आदमी रोजी रोटी के लिए परेशान है। आज किसान, गरीब तबका का हर व्यक्ति परेशान है। आप देखिए वो कहीं ना कहीं दूसरे शहर पे जा रहा है, पलायन हो रहा है लोगों का। क्यों हो रहा है? देखिए, मेरा किसी भी सरकार को लेके ये कहना नहीं है। कोई भी सरकार आए जो मानव हित का काम करे, जो सभी सनातन धर्म को एक साथ लेके चले, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष जाति की ना बने, वो सबको लेके चले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबको एक साथ लेके चले। क्यों? क्योंकि हमारा देश सब धर्म को एक साथ लेके चलने वाला है और यही हमारे धर्म की, मतलब ये समझ लीजिए, नींव है। मैं आपके संगम न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और ये सदैव कहता रहूँगा, सब धर्म हिताय और सर्व धर्म सहाय। भैया, हम तो अखिलेश की सरकार चाहते हैं, हम उसके मुरीद हैं, पुजारी हैं, हम इससे बहुत तंग आ चुके हैं। इसकी सरकार मुझे नहीं चाहिए। अब कांग्रेस की सरकार रहेगी जैसे पहले थी, अगर वैसे आ जाएगी तो हम लोग को राशन पानी ये वो सब बहुत सुविधा हर चीज़ की रहेगी। लिहाजा हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं, बस मुझे इतना ही कहना है और आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अखिलेश की सरकार चाहिए। क्यों? सरकार किसी भी दल की बने, जो सरकार बने वो गरीबों के हक में काम करे, उसमें कोई ना जातिवाद का हो ना आपका जो है संप्रदायवाद हो, जो भी का है सब गरीबों के हक में और देश की तरक्की को देखते हुए, प्रदेश की तरक्की को देखते हुए सरकार बने, वो मैं तहे दिल से चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपकी इजाज़त से मैं छोटा सा परिचय अपना दे दूँ। मेरा नाम पंकज कुमार सेठ है, मैं एक स्टार्टअप छोटा व्यवसायी हूँ। मैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेरी एजेंसी है मीरापुर में, जिसको कि लगभग हम लोग 2 वर्षों से चला रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ ऑनलाइन सप्लाई का भी काम करते हैं। अब आपकी बात पे आ जाते हैं। व्यवसायी होने के नाते और इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि मैं, देखिए, व्यवसायी आदमी किसी भी पार्टी का सपोर्टर या वो उसका नहीं रहता। अभी तक जो देखने में आया है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें चाहे और दूसरी चीज़ों की बात करें, सभी सरकारों में कमी रहती है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ओवर ब्रिजेस और तमाम चीज़ों में जो किया है, वो निश्चित तौर पे किसी एक जाति के लिए नहीं। और दूसरे, इतनी बड़ी महामारी में जो फ्री ऑफ कॉस्ट करीब 90 से ज़्यादा करोड़ लोगों को, जिनको कि दुनिया सोच नहीं सकती थी, वैक्सीनेशन कराया, इतनी बड़ी, जाहिर सी बात है कुछ भूलें रही होंगी, अनएक्सपेक्टेड था कि इतने ज़्यादा मरीज भर जाएंगे, कुछ में बहुत जनहानियाँ भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी सरकार ने एक अच्छा काम किया। और मेरा ये चाहना है
जीएसटी और दूसरे तमाम मोर्चों पे अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको योगी सरकार को खासतौर से माफिया मुक्त किया है उन्होंने, जो एक सबसे बड़ा उसमें भाई कोई हिंदू कोई मुसलमान किसी जाति को नहीं देखा है, और उन्होंने जो है माफिया मुक्त बनाने का एक वो किया है। रोड्स सुधारी हैं, बाईपास बने हैं, ओवर ब्रिजेस बने हैं, हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप में मानना है कुछ चीज़ों में वो सुधार लें तो बीजेपी की गवर्नमेंट को एक और चांस देने का बनता है। लोगों से पूछने के बाद किसी ने बताया कि सपा की सरकार बनेगी और किसी ने भाजपा की, कुछ लोगों ने तो अपने कार्ड ही नहीं खोले। लेकिन यह समय के गर्भ में छिपा है कि सरकार 10 तारीख को किसकी बनेगी। सरकार चाहे भाजपा की बने, सपा की या और किसी की, लेकिन होगी तो लोकतंत्र की जीत। कैमरामैन शमशाद अहमद के साथ मोहम्मद इमरान यूसुफी, प्रयागराज। प्रयागराज में कोविड के संक्रमण के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी के सभी ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने यूनिवर्सिटी में सभी डीन्स के साथ एक बैठक कर इसकी जानकारी दी है। उनके मुताबिक अगली सूचना तक यूजी और पीजी की सभी क्लासेस ऑफलाइन मोड पर चली गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत काम करना होगा। किसी को शहर छोड़ने की जरूरत नहीं है। बेहद जरूरी कामों के लिए वित्त और रजिस्ट्रार के ऑफिस खुले रहेंगे। कैंपस और लाइब्रेरी पूरे तरीके से बंद रहेगी। प्रयागराज शहर में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश के चलते माघ मेले की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। एक ओर गंगा में पानी बढ़ने से कटान बढ़ गई है तो दूसरी ओर आफत की बारिश से मेला क्षेत्र में जगह जगह कीचड़ और फिसलन हो गई है। चेकर्ड प्लेटों पर भी फिसलन है। यहां विभिन्न सरकारी विभागों का काम भी प्रभावित हो रहा है। बारिश के कारण मजदूरों को काम में रफ्तार देने में दिक्कत हो रही है। माघ मेला कुछ दिन के बाद शुरू हो जाएगा। एक महीने तक यहाँ कल्पवास भी श्रद्धालु करेंगे। ऐसे में माघ मेला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गई हैं। मेला विभाग द्वारा तथा नगर निगम के मिल करके हम लोग जो बरसात हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, वहाँ पे एंटी लार्वल फॉगिंग स्प्रे कराते रहेंगे और बराबर उन पे वाच रखे रहेंगे। अगर केसेस बढ़ते हैं तो उनको एडमिट कराया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। ये क्षणिक बारिश हुई है, इससे बारिश का मौसम नहीं होता है, लेकिन फिर भी जाड़े में एक दो दिन के लिए बारिश हो जाती है और हमें उम्मीद है जल्द ही मौसम साफ हो जाएगा इसका। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल में आज कोरोना पॉजिटिव एक और मरीज की मौत होने के बाद तीसरी लहर में कोरोना से मरने वाले का आंकड़ा 2 पहुंच गया है। कीड़गंज की रहने वाली इस महिला को 4 जनवरी को शुरू में कमला नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जो गुर्दा और ब्लड प्रेशर के रोग से प्रभावित थी, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के कारण उसे कोरोना वार्ड में भर्ती कराया गया था जहाँ उसका इलाज चल रहा था। आज उसने दम तोड़ दिया। इसके पहले एक और महिला जो कोरोना पॉजिटिव थी, स्वरूप नारी नेहरू हॉस्पिटल में दम तोड़ चुकी है। इस शहर में अब तक कोरोना की तीसरी लहर से कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2 पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।